फिर कहती है कि आप अपने नीचे दो लोगों को ज्वाइन करो, और ये दो भी फिर क्या करेंगे, दो दो लोगों को ज्वाइन करेंगे और ये एक चैन बन जाती है जैसा बोला जाता है ना, इसलिए तो पहले कहते थे चैन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लालच में आ जाते हो कि अरे मोदी केयर में तो छह लोग को ज्वाइन करने को बताया जाता है, अब तो क्या है हमें तो छह भी ढूंढने की जरूरत नहीं, दो ही तो ढूंढने हैं, दो तो मिल ही जाएंगे, छह के लिए कौन माथापच्ची करेगा, है ना। तो दो मिल जाएंगे तो क्या होगा कि ये इस तरह से काम करती रहेगी। ये कंपनियां क्या करती है मैं आपको बताऊं, शुरुआत में तो थोड़ा ज्यादा पैसा देती है आपको, शुरुआत जैसे ही आप दो लोगों को ज्वाइन करोगे कंपनियां कहेगी 2500 की शॉपिंग आप करो, 2500 की इनको कराओ, एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, और आप 300 रुपए का चेक आपके आ जाएगा, 500 का चेक आ जाएगा, कुछ इस तरह से बोलेंगी। शुरुआत में तो आपको पैसा ज्यादा देगी, लेकिन जैसे ही क्योंकि आपको तो सिर्फ दो ही करना है अपने नीचे ज्वाइन, ज्यादा तो करना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है इनकी टीम जो भी बंदा है इनके नीचे ज्वाइन करके इनकी टीम को बिल्ड नीचे तक डेफ तक। फिर क्या होता है शुरुआत में तो ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन जब ये कंपनियां बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपने दो ही किया तो डेफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डेफ ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका पैसा कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, नीचे वाले को पैसा मिलने लग जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है इस तरह से इस चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं कम के लालच में कि दो लोग को ज्वाइन करना है और ये कंपनियां कुछ भी नहीं देती। और फिर मैं एक बात और बताती हूँ लास्ट में, हो सकता है लाख दो लाख का चेक आपका हो भी जाए ऊपर में, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कंपनी कोई भी इस तरह की कंपनी 5 साल से ज्यादा टिकी नहीं मारती। इन कंपनी का मकसद बाइनरी चेक, इन कंपनी का मकसद बाइनरी सिस्टम बोलते हैं इसको, मकसद क्या होता है कि मार्केट में चीज फैला दो, लोग इसमें लग जाएंगे और अपना 10 करोड़ 20 करोड़ कमाओ और रफू चक्कर हो जाओ, भाग जाओ कंपनी से। तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो भाग जाए या हमेशा टिकी रहे हमारे साथ। हम पैसिव इनकम की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म चाहिए, हम पैसिव इनकम की बात करते हैं कि हमें पैसिव इनकम चाहिए, मतलब 4 से 5 साल काम करके जिंदगी भर पैसा हमारे अकाउंट में गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, हम नहीं रहे तो हमारे बच्चों को गिरता रहे और फिर उनके बच्चों को फिर उनके बच्चों को फिर उनके बच्चों को, ऐसा बिजनेस चाहिए या 3-4 साल बिजनेस के और रफू चक्कर हो जाए ऐसा बताइए, कुछ भी नहीं दे हमें, कैसा बिजनेस चाहिए आपको? बिल्कुल चलता ही रहे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो दोस्तों